Assalamu alaikum. Hope you will be fine. Last time we were discussing in class 9 about chapter 1, and now today we will discuss about the topic element. What we will discuss in this topic? First of all, we will discuss about the definition of element, then history, next occurrence, states of element, then what are the divisions of element, how can we represent element. Next, we will discuss about the valency of an element. First of all, हमारे पास history है. हमने history को discuss करना है कि element की history हमारे पास क्या है. In early ages में only 9 elements were known. These elements were carbon, gold, silver, mercury, lead, copper, iron, sulfur and tin. These were the 9 elements, and it is most important MCQ can be asked in exam that in early ages how many elements were present. In early ages 9 elements were present. Next point हमारे पास है, in the end of 19th century के end में ये जो हमारे पास elements की discovery है ये एक्सीड हुई और ये हमने 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया था. ये भी हमसे एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे. 19th सेंचुरी के एंड पे हमारे पास 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे. देन नाउअडेज आज कल हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल वर्किंग में है उसमें 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और इन 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स जो हैं, दीज आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स. आपको ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि कितने एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अब एग्जिस्ट करते हैं, 118. और इसके बाद दूसरा इसी पॉइंट में एमसीक्यू हमसे पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ 118 कितने हमारे पास नेचुरली अकरिंग होते हैं, तो 92 एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास नेचुरली अकरिंग. नेक्स्ट हमें देखनी है इसकी मॉडर्न डेफिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो है ये कंसिडर किए जाते थे कि हम एलिमेंट्स एक सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, एक सिंपलेस्ट थिंग है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. और मॉडर्न इसकी डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न हमारे पास इसकी डेफिनेशन है इट इज अ सब्सटेंस, ये कोई भी एक सब्सटेंस है मेड अप ऑफ सिंपल टाइप ऑफ एटम्स दैट कंटेन सिंपल एटम्स. इसमें सिंपल एटम्स हैं और ये जो सिंपल एटम है इनको हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंपल सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज टू सिंपल सब्सटेंसेस दैट इज नोन एज एलिमेंट. ये हमारे पास एलिमेंट की मॉडर्न डेफिनेशन है. देन वी विल मूव टुवर्ड्स अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट. हम एलिमेंट्स की अकरेंस देखेंगे कि अकरेंस किस तरह, हाउ एलिमेंट्स आर अकर, एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह अकर होते हैं हमारे नेचर में. हमारे पास देखें फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कैन बी अकर इन कंबाइन और फ्री स्टेट. एलिमेंट्स कंबाइन फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं हमारे पास और दे मे बी इन फ्री स्टेट में भी पाए जा सकते हैं. एक टेबल मेंशन है आपके एलिमेंट वाला टॉपिक जो है टेक्स्ट बुक के पेज पर, उस पेज पे बच्चे हमारे पास बाई वेट परसेंटेज दी गई है. These elements are occur in earth crust, ocean and atmosphere. तो ये इनकी by weight percentage हमारे पास mention की गई है. तो देखें earth crust को हम first of all discuss करते हैं. Earth crust में हमारे पास oxygen 47% पाया जाता है. Next हमारे पास silicon जो है जो 28% पाया जाता है in earth crust. And aluminium हमारे पास 7.8% पाया जाता है. आपसे कोई भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है इस टेबल से कि हमारे पास अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन की हमारे पास 47% प्रेजेंट है. नेक्स्ट बचे हमें मूव करना है ओशंस की जाने, तो ओशन में ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन हमारे पास 86% बाई वेट पाया जाता है. हाइड्रोजन हमारे पास 11% है बाई वेट. नेक्स्ट हमारे पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन 1.8% पाया जाता है. ये हमारे पास है अर्थ क्रस्ट और ओशियंस की परसेंटेज. नेक्स्ट इसी टेबल में हमारे पास एटमॉस्फेरिक में हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी कितनी परसेंट पाई जाती है,
तो 98 ये हमारे पास नाइट्रोजन है फर्स्ट ऑफ ऑल इन एटमॉस्फेयर 78% पाया जाता है। काफी दफा ये बोर्ड के एग्जाम में हमें एमसीक्यू पूछा जा चुका है कि नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज होती है इसमें एटमॉस्फेयर में 78% होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमारे पास 28% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। देन आर्गन, आर्गन 0.9% पाया जाता है। अगेन आपको बताता चलो अर्थ क्रस्ट ओशन और एटमॉस्फेयर इन तीनों टेबल्स में से कोई भी हमें एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इन अर्थ क्रस्ट इन ओशन इन एटमॉस्फेयर किसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है, इसकी कितनी परसेंटेज पाई जाती है, तो वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट बचे हमारे पास जो है इसकी स्टेट्स, एलिमेंट्स में एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, दे मे बी इन सॉलिड और इन गैसियस फॉर्म। सम एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड फॉर्म आर मर्करी एंड ब्रोमीन, मर्करी एंड ब्रोमीन बोथ दीज एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट सॉलिड सोडियम कॉपर जिंक देन गोल्ड, दीज आर एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट वी हैव गैसियस फॉर्म, देन हमारे पास है नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, ऑल दीज एलिमेंट्स आर डायटॉमिक इन नेचर। नेक्स्ट एंड दे एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन है, ये आपका एलिमेंट वाला जो टॉपिक है उस पेज के बिल्कुल एंड पे दो लाइनें हैं, उनमें लिखा हुआ है मेटल्स। डिवीजन हमने इनकी की है, थ्री डिविजन्स थ्री टाइप्स हमने इनको डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड देन मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देती हैं, बिकॉज दे हैव फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। इनके वैलेंस शेल में हमारे पास क्या होते हैं? फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आल्सो, दे कैन कंडक्ट हीट, ये हीट कंडक्ट कर सकती हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, मेटल्स हमारे पास क्या होती हैं? मैलिएबल भी होती हैं एंड डक्टाइल भी होती हैं। मैलिएबल एंड डक्टाइलिटी इनकी क्या प्रॉपर्टी है? वो दीज प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम इनको शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं और इनकी वायर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल में हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं अबाउट 80% एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल दीज आर मेटल्स। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज जो है वो पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हमारे पास मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो 80% मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होती है? नॉन मेटल्स आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, इनको इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। दे कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं एंड फॉर्म एनायंस और हमारे पास एनायंस बना देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे मेटलॉइड्स, दीज आर इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसको हम कहते हैं मेटलॉइड। नेक्स्ट हमारे पास है सिंबल, सिंबल क्या है? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एलिमेंट, हमारे पास एक एलिमेंट है, हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का जो बेस्ट मेथड है वो हमारे पास है उसकी सिंबल, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। दीज सिंबल्स कैन बी टेकन फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज। ये तीन चार जो लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक एंड जर्मन, किसी भी लैंग्वेज का वर्ड हो सकता है। अब एक पॉइंट माइंड में आपने रखना है, ये हमारे पास जो सिंबल है दे मे कॉन्टेन ओनली वन अल्फाबेट, इसमें जस्ट वन अल्फाबेट भी हो सकता है और इट मे कॉन्टेन टू अल्फाबेट्स या इसमें टू अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन हमारे पास एन, नेक्स्ट हाइड्रोजन का हमारे पास सिंबल एच, सल्फर का एस, ऑक्सीजन का ओ, कार्बन का सी। देन हम इनको क्या करते हैं? हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं बाय ओनली सिंगल अल्फाबेट। और कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके हम टू अल्फाबेट्स जो हैं उनके साथ उसका सिंबल जो है वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एन ए, कैल्शियम सी ए, क्लोरीन सी एल, आर्गन ए आर, नेक्स्ट हमारे पास सिल्वर ए जी, इसके बाद हमारे पास कॉपर होता है सी यू। इसी तरह हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको जस्ट वन अल्फाबेट से सिंबल दिया जाता है, कुछ हमारे पास जो है जिनको हम टू अल्फाबेट से सिंबल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसी शॉर्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, डिफाइन वैलेंसी, वैलेंसी क्या है? तो वैलेंसी से आप वेरी वेल नोन है,
फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा ये यूनिक प्रॉपर्टी है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, हमारे पास वैलेंसी की डेफिनेशन, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उस कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के साथ इसकी एग्जांपल मेंशन करनी है। कार्बन की वैलेंसी हमारे पास 4 होती है, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, फोर्थ ग्रुप में पाया जाता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और पॉइंट इसमें कि वैलेंसी हमारे पास जो होती है, वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उस पर वैलेंसी क्या करती है, डिपेंड करती है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट कार्बन जो है इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ये हमारे पास कार्बन है, इसका हमारे पास ये शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो वो क्या करे, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। जब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो ये क्या करेगा, ये 4 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेगा। ये हमारे पास इसने क्या किया, कोवेलेंट बॉन्डिंग बना ली, तो ये इसके वैलेंसी क्या है, 4 वैलेंसी होगी। अब इसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इलेक्ट्रॉन शेयर करने से इसने अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया, और जो इसके साथ जितने हाइड्रोजन अटैच हुए हैं, इस हाइड्रोजन वाले का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट हमने कंप्लीट किया, इसका भी और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट किया। ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होता है, ऑक्टेट हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने की खासियत, इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कंप्लीटिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, कंप्लीटिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, ये हमारे पास ऑक्टेट कहलाता है। देन डुप्लेट क्या होता है, डुप्लेट हमारे पास अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज नोन एज डुप्लेट। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल वेलोसिटी डेफिनेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बच्चों को काफी बच्चों को नहीं पता होता कि वेरिएबल वेलेंसी क्या होती है। सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वेलेंसी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास हैं जो मोर देन वन वेलेंसी शो करते हैं, एंड दीज एलिमेंट्स आर नोन एज दोज एलिमेंट्स दैट डिफेक्ट जो हमें शो करते हैं वेरिएबल वेलेंसी। मैंने एग्जाम्पल मेंशन की है, आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दी हुई है, फेरस सल्फेट, इन फेरस सल्फेट द वैलेंसी ऑफ आयरन, आयरन की जो वैलेंसी होती है फेरस सल्फेट में वो हमारे पास 2 होती है। इन फेरिक सल्फेट, हम फेरिक सल्फेट में देखें तो फेरिक सल्फेट में जो हमारे पास आयरन है इट शोज वैलेंसी नंबर 3, इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या होती है, 3 होती है। अब हमारे पास देखें क्या यहां पर डिफरेंस आया है, फेरस OUS एंड पे है फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट जो OUS वाले होते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, कम होती है, और जो फेरिक सल्फेट होते हैं RIC फेरिक सल्फेट वाले उनकी हमारे पास वैलेंसी, उसमें आयरन की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। ऑन द अदर एंड फेरस सल्फेट में हमारे पास आयरन की वैलेंसी 2 होती है। तो ये मैंने यहां पे पॉइंट मेंशन कर दिया है कि OUS, जब हम OUS से मूव करेंगे एक की जानिब, फेरिक की जानिब मूव करेंगे तो हमारे पास वैलेंसी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक पॉइंट यहां पे और है कि मेटल्स की वैलेंसी क्या, कैसे हम कह सकते हैं कि मेटल्स की वैलेंसी क्या है और नॉन मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है। तो मेटल्स हमारे पास जो होती हैं, मेटल्स की वैलेंसी, मेटल्स, मेटल्स जो है, मेटल्स असल में हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इन वैलेंस शेल में ज्यादा होते हैं, दे में लूज इलेक्ट्रॉन और रिमूव इलेक्ट्रॉन इजीली एंड फॉर्म कैटायन। तो जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास मेटल से रिमूव होंगे, हम जितने इलेक्ट्रॉन मेटल एटम, एक मेटल जितने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करवाएगा, वो उस मेटल एटम की क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है, तो Na सोडियम हमारे पास ये जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज करवाता है, सो द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज, सोडियम की हमारे पास वैलेंसी क्या हुई, 1। सेम इसी फैशन में हमारे पास जिंक है Zn, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म
कैटाइन, हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर लिए। जिंक की हमारे पास वैलेंसी क्या हुई, द वैलेंसी ऑफ जिंक इज 2। ये हमारे पास है इन केस ऑफ मेटल्स, बट जब आपने नॉन मेटल्स को देखना होता है, नॉन मेटल्स में हमारे पास, नॉन मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स हमारे पास दैट एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। नॉन मेटल्स आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, इनको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने के नतीजे में इनमें क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नॉन मेटल्स की हमारे पास वैलेंसी क्या होगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी नॉन मेटल एटम अटेन करेगा, गेन करेगा, उतनी उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड इट विल फॉर्म नेगेटिव आयन, और इसके वजह क्या आ जाएगा, नेगेटिव आयन आ जाएगा, एन आयन आ जाएगा। इन दिस केस, इस केस में वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी हमारे पास, 1 होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इस टॉपिक में हमने कौन कौन से पॉइंट मेंशन, कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए हैं, हमने एलिमेंट की हिस्ट्री, डेफिनेशन, अक्रेंस, स्टेट, डिवीजन, सिंबल एंड वैलेंसी, तमाम पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अच्छे आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए एक्सप्लेन एलिमेंट, तो आपने तमाम पॉइंट्स को मेंशन करना है। इसके बाद मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी मार्क करवा दिए हैं, कि अर्ली एजेस में 9 एलिमेंट्स पाए जाते थे, उन 9 के नेम आपको याद होने चाहिए। 19th सेंचुरी के एंड पे हमारे पास 63 एलिमेंट्स पाए जाते थे, एमसीक्यूज आ सकता है। नाउअडेज 118 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 118 में से हमारे पास 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। देन आपको ये परसेंटेज वाला जो टेबल दिया गया है, इसमें से बताया कि एमसीक्यूज आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास मेटल्स नॉन मेटल्स का डिफरेंस आ सकता है, मैंने उस वक्त आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, मेटल्स 80% पाए जाते हैं, होल ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। देन हमने प्रेजेंट करना है किसको, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन वैलेंसी, वैलेंसी की आपको डेफिनेशन और डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स, एग्जांपल के बाद मैंने आपको वेरिएबल वैलेंसी की डेफिनेशन बताई है, वेरिएबल वैलेंसी की डेफिनेशन और उसके साथ फेरस और फेरिक सल्फेट वाले एग्जांपल। देन मेटल्स और नॉन मेटल्स की वैलेंसी हम किस तरह मालूम कर सकते हैं वो क्या आपको बता दिया। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड थैंक्स।